सर गदर 2 आ चुकी है और साथ ही OMG पार्ट 2 आ चुकी है, तो आपको दोनों में से कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट लगी? देखिए सर, मेरे को दोनों ही फिल्में बहुत ही फीकी लगी हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं लगी है, क्योंकि जो OMG 2 है तो वो भी कुछ खास नहीं है। लेकिन सर गदर 2 की तो काफी ज्यादा हाइप थी। हाइप थी, गदर 2 भी ठीक ठाक है, लेकिन मतलब मेरे को भोजपुरी टाइप की लगी है यार। मतलब देखिए, हो सकता है मेरे स्टेटमेंट से कई लोग भड़क भी जाए, मेरे को गालियां देने लग जाए, लेकिन मैं रियली बताऊं तो मेरे को जो गदर 2 है, OMG 2 है, दोनों ही कुछ खास नहीं लगे हैं। हो सकता है OMG 2 मुझे इसलिए भी खास नहीं लगे क्योंकि इसमें 20 कट्स लगाए गए थे, ठीक है, तो जो सीन्स डिफरेंट थे शायद वो हमें देखने को नहीं मिले क्योंकि भाई सेंसर बोर्ड ने कट लगा दिए हैं। और OMG 2 ऐसा है कि इसमें उत्कर्ष शर्मा का रोल थोड़ा सा मेरे को ओवर एक्टिंग टाइप का लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जो अनिल शर्मा है जिन्होंने गदर 2 बनाई है, तो उनका गदर 2 बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि पहली बात तो सनी पाजी को और अमीषा पटेल को कम बैक दिया जाए, दूसरा उनका जो मेन रोल था वो अपने बेटे को आगे करना था। मतलब उत्कर्ष शर्मा गदर 2 में लीड रोल में है सनी पाजी के साथ, मतलब दो हीरो हैं, ठीक है, कायदे से बोले जाए तो अपने बेटे का करियर बनाने के लिए उन्होंने गदर 2 बनाई है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, क्योंकि बेटे की एक्टिंग में एक भी दम नहीं है। हाँ, सनी पाजी की एक्टिंग में दम है, मतलब उनके दमदार डायलॉग्स जितने भी हैं, तो जो भी ये गदर 2 कमाएगी वो गदर सिर्फ सनी पाजी के डायलॉग्स की वजह से ही कमाएगी, उनकी एक्टिंग की वजह से कमाएगी। बाकी इसमें अमीषा पटेल का भी रोल कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है, उनकी चाहे उम्र के अकॉर्डिंग हो चाहे कुछ भी, उनके फेस पर वो क्रिएटनेस नहीं रही। और दूसरी तरफ देखा जाए OMG 2 तो वो भी वाहियात लग रही है, अक्षय कुमार की शक्ल में ठरकपन दिख रहा है, तो वो महादेव के रोल पे तो जच ही नहीं रहे हैं। और दूसरा हमारे जो पंकज त्रिपाठी हैं तो वो थोड़ा सा नॉर्मल इंसान बने हुए, तो उनकी एक्टिंग काफी नेचुरल लगी है। और उन्होंने जिस तो क्या लगता है दोनों फिल्में कमाई करेंगी कि नहीं जी? दोनों फिल्में कमाई करेंगी कि नहीं? दोनों फिल्में अब यार देखो, ऑडियंस है, कमाए तो कमाए। बाकी फर्स्ट डे देखा जाए तो गदर 2 को ज्यादा रिस्पांस देखने को मिल रहा है क्योंकि हाउसफुल चल रहे हैं उसके, और OMG के उसके हाफ चल रहे हैं, उसके आधे चल रहे हैं। मेरा सब पर्सनल मानना है कि दोनों ही कुछ खास फिल्में नहीं है। ओके।